हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले। और आज की इस वीडियो में फिर से खेलने वाले हैं अमंगस गेम को। लेकिन हमारे आज के इस गेम प्ले में कुछ अलग और हटके होने वाला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तुम बता दूं, मैंने बहुत ही मेहनत करके 10th पास की, 11th पास की, 12th पास की, और उसके बाद बिना किसी PW का सब्सक्रिप्शन लिए मैंने अपनी कड़ी मेहनत से आखिरकार इंजीनियर बन गया। लेकिन मुझे जैसे इंजीनियर को पकड़ के ले आए हैं अमोंग अस गेम के अंदर में, तो जी हाँ दोस्तों, तक आप समझ गए होंगे आज की इस वीडियो में लोग इंजीनियर बने हैं अमोंग अस गेम के अंदर में। तो भाई इंजीनियर क्या ही बताऊं, कुछ कहा खास काम तो होता नहीं इसका। कोई सेंस है इस बात की? इसकी सारी बेइज्जती कर दी इंजीनियर नाम धर के इस गेम के अंदर में। बस ये कर क्या सकता है, बेंट में जा सकता है और इधर से उधर बेंट का इस्तेमाल कर सकता है बस। मैं सही बताऊं, इसको थोड़ी ताकतें और पकड़ा देते तो ये दूसरा इम्पोस्टर बन जाता। लेकिन वह अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सब गेम वाले की मर्जी है। तो गाइस फिर से बता दूं, आज हम लोग फिर से 15 प्लेयर्स के बीच में खेलने वाले हैं। लेकिन आज एक ऐसी चीज़ होगी जो कि पहले नहीं हुई आज से पहले इसमें कभी भी। आज तक मैंने जितने वन इम्पोस्टर वाले मैच खेले उसमें मैंने 10 प्लेयर्स के साथ खेला, बट इस 15 प्लेयर्स के मैच के अंदर में केवल एक इम्पोस्टर रहेगा। तो उस एक इम्पोस्टर को पकड़ना बहुत ही मुश्किल काम होने वाला है गाइस, क्योंकि यहाँ पे 15 प्लेयर्स हैं और 15 के 15 अगर हम लोग वोट करके भी निकालते हैं तब भी हम 3 से 4 प्लेयर ही निकल पाएंगे मैक्सिमम, क्योंकि तब तक मैं इम्पोस्टर खेल खत्म कर देगा अगर अच्छा इम्पोस्टर हुआ तो। वेल इस गेम के अंदर में जो भी इम्पोस्टर बनाए उसके बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं और वो बहुत ज़्यादा गेम को इन्जॉय करेगा, क्योंकि उसके पास है 15 शिकार और एक एक करके सबको टपकाएगा आराम से। क्योंकि यार टास्क वास्क तो किसी को कम्प्लीट करना ही नहीं होता यार, सब तो इधर उधर घूमने मज़े लेते हैं यार, सब सोचते हैं बस मैं मर ना जाऊँ, नहीं तो टास्क वास्क तो जिंदा रहे तो टास्क कंप्लीट हो ही जाएगा। भाई एक बंदे ने रेड लिख दिया तो 2-3 बंदों ने यार सारे बंदों ने उसी को वोट कर दिया, काफ़ी हद से जा रहे हैं, मतलब बंदे एक ही साथ हैं सारे। तो लकी वाज नॉट इम्पोस्टर, भाई बंदे का काट दिया गया है शुरू में ही, था नहीं लेकिन इसे बना दिया। तो भाई अभी मेरे को खुद नहीं पता कि इम्पोस्टर कौन है, तो मैं कोशिश करूंगा इस गेम के अंदर में कि मैं टपका जाऊं किसी के हाथों। तो भाई पहले मैं बेंट इस्तेमाल करके आपको दिखाता हूं, देखो मेरे पास कितनी दिव्य शक्तियां हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं ज़्यादा देर तक इस बेंट में रुक नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया ना तो मेरी पहले ही सांस फूलने लगेगी और मैं पहले ही इवेंट से खुद ब खुद ही आउट हो जाऊँगा। तो यार सी बताऊँ ना, पहले जब मैं नया नया आया था इस गेम के अंदर में तो मैं किसी को भी बेंट इस्तेमाल करते देखता था ना, तो मैं सिर्फ यही सोचता था कि यही बंदा है बस, इम्पोस्टर यही है और कोई हो ही नहीं सकता इम्पोस्टर। लेकिन बाद में जैसे जैसे मैंने गेम खेला था मेरे को पता लगा इंजीनियर नाम का भी कोई बंदा होता है गेम के अंदर में, साइंटिस्ट भी होता है जिसके पास वाइटल एक्सेस करने का पावर होता है। लेकिन कुछ भी हुआ इम्पोस्टर का पावर अलग लेवल का रहता है। हु लिख गए तो मैंने भी हु लिख दिया, मैंने कहा छोड़ो यार किसे पता होगा क्या हो रहा है। तो गाइज अब इन सब में कोई इम्पोस्टर है अगर आपको लगता है ना, आप बता सकते हो कौन सा इम्पोस्टर होगा, कमेंट देख के तो आप जज करो पहली गेम में कौन इम्पोस्टर होगा, क्योंकि अंत के जो रिजल्ट आने वाले हैं ना वो आपको चौंका के रख देंगे। या कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। तो यार हम लोगों ने ना धीरे धीरे करके इस गेम के अंदर में लगभग सभी बंदे निकाल देंगे वोट कर करके, इसी बताऊँ तो मैं, और मैं भी वोट करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ूंगा भाई। जिसको जिस बंदे ने कह दिया कि येल्लो होगा तो येल्लो वोट कर दूंगा, बस अगर किसी बंदे ने कह दिया मरून है तो मैं वोट नहीं करूंगा, क्योंकि मरून इज माई कलर, आप लोग समझ रहे हो ना। तो गाइस अगर आप लोग हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कुछ से पहले मिल सके। तो गाइज़ यहाँ पे अभी हमारे 5 प्लेयर्स डेथ हो चुकी है, तो मतलब टोटल बताऊँ तो यार 10 प्लेयर बचे हैं ना हम लोग। हाँ सही है, मेरा काउंटिंग सही वैसे 10 प्लेयर बचे हैं, और 10 में से एक को तो देखो, एक को तो इम्पोस्टर मार रहा है और एक को हम लोग खुद निकाल दे रहे हैं इस उम्मीद में कि कहीं से हमसे इम्पोस्टर निकल जाएगा। लेकिन हम लोग नहीं निकाल पा रहे, हम लोग असमर्थ रह जा रहे हैं बार बार, और जो बंदे धीरे धीरे स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं वो खुद ब खुद ही गेम को छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी आंखों के सामने इम्पोस्टर को, मतलब वो लोग देख सकते हैं ना, हॉन्ट कर सकते हैं और इम्पोस्टर उनकी आंखों के सामने ही किसी को मारता रहेगा, लेकिन वो लोग कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो कमेंट बॉक्स में जाएंगे ना तो काफ़ी लाचार हो चुके होंगे, वो लिख भी नहीं सकते वहाँ पे, लिखेंगे तो किसी और को दिखेगा ही नहीं। यार एक बंदे ने अपना नाम ही इम्पोस्टर रख रखा है, वैसे कई लोग रखते भी ऐसी बताऊँ तो, लेकिन मैं बताऊँ ज़्यादातर लोग मिस्टेक करें, इम्पोस्टर की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, जैसे कि मैंने भी लिखा। एक सेकेंड रुको यार, इवेंट ऑन खुल बंद हुआ था ना, कोई नहीं यार कोई और भी इंजीनियर होगा, मैं ही थोड़ी अकेला पढ़ा लिखा हूँ। गाइस सही बता रहा हूँ, ये पिंक वाली की रेडबॉडी आई ना, मेरे को लगा भाई टपका दिया अब स्काई ब्लू वाले ने मुझे, मीन्स यार सियान, यार सियान मैं जानता हूँ कलर सियान होता है, बस मैं स्काई ब्लू कहता हूँ ना, बचपन से मैं स्काई ब्लू कहते आया हूँ।
तो यार एक बार फिर से हम वही कमेंट कर देते हैं अपना, क्योंकि एक अपने कुछ पता होता है नहीं, पता नहीं कहाँ बंदे टपक रहे हैं, मेरे को खुद नहीं पता लग रहा यार ये पहले होता ही बंदा कौन है। पेडमुकस पेडमुकस यार आई थिंक इट्स हॉर्स ग्रीन्स। तो ओके ही लेफ्ट अस, तो ओके मतलब हम जाए तो लोग हॉर्स को वोट करेंगे, तो ओके लेट्स वोट हॉर्स। चलो मैं भी वोट कर देता हूँ हॉर्स को। हॉर्स कहाँ है, हॉर्स कहाँ है? अच्छा ओ भाई देखो खरगोश का कान लगा के हॉर्स बन रहा है ये, तो कोई नहीं। ग्रीन 100% इम्पोस्टर ने लिखा है ग्रीन होगा, और ये लिख रहा है नहीं मैं नहीं हूँ। यार सीनो कमेंट पढ़ के अगर मैं गया वोट करने ना तो काफ़ी मेरे को दिक्कत होने लगा सीनो, तो क्योंकि हमें खुद का आइडिया नहीं होता ना, अगर हमने खुद देखा है तो हम लोग तुरंत वोट कर सकते हैं गाइस कि हाँ यही बंदा होगा, लेकिन अगर देखा नहीं तो यार किसी की बात पे कैसे भरोसा कर लें हम लोग। यार कुछ भी कोई एक बंदा है ब्राउन जिसने कलर लिया है, पेडमुकस बोले उसका नाम, तो पता नहीं कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है लेकिन काफ़ी लंबा लिख रहा है, इसकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ लग रही है मेरे को। तो भाई एक और बंदा बाहर निकल चुका है जैसे कि आप देख सकते हैं, यू आर गे। ओ भाई कैसे यार कैसे कैसे नाम कैसे रखते हो तुम लोग यार। चलो छोड़ो यार वो भी इम्पोस्टर नहीं था, तो अब हम लोगों को इम्पोस्टर की तलाश करनी है गाइज। हम लोग टोटल बताऊँ तो सही बताऊँ तो 4, 5, 6 प्लेयर्स बचे हम लोग, और अगर मैं भाग जाता हूँ कहीं छोड़ के तो मेरे पे ही शक आ जाएगा, तो मैं भी इनके साथ ही रहता हूँ जब तक सभी लोग इधर उधर ना चले जाएँ। तो गाइज यार सब लोग ना अपने पेट को ऐसे ऐसे क्या कहते हैं उसकी मतलब उसके सर को सहला रहे हैं यार। ये पेड़ वाला कहाँ मिलता है मेरे को खुद नहीं पता। मैं एक दिन पेट शॉप पे गया ना सीधा एमोंगस की, तो मेरे को एक वो चिकन टाइप का मिला था तो मैंने उसे ख़रीद लिया, लेकिन मैं ना हर गेम में उसे वार्डरोब से इनेबल करना भूल जाता हूँ। तो कोई ना अगले गेम प्ले में आपको अपना पेट ज़रूर दिखाऊँगा, वो बहुत ही अच्छा वैसे क्यूट दिखता है वो। तो सॉरी ग्रीन भाई, चलो सही है उसको शांति मिलेगी, बंदों ने उसको सॉरी कहने की कोशिश किया यही बहुत बड़ी बात है सी बताऊँ तो। तो अब यार 6 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक हमें बंदा नहीं पकड़ में आया। इट लीव अस फ्रॉम कैफेटेरिया, हाँ सही कह रहे हो सही कह रहे हो, मुझे लगी रहा है पर्पल हो सके भाई वो बार बार ना। देखो मैं तुम्हें ऐसी बता रहा हूँ दोबारा से कि बंदे में उसी में दम होता है ना जो तुम्हें छोड़ के चला जाए समझ लो भीड़ में से, तो वही इम्पोस्टर हो सकता है। क्योंकि ऐसा खाली इम्पोस्टर में यार ताकत होता है कि यार वो किसी से डरे ना, और गेम के अंदर में एक ही इम्पोस्टर, इम्पोस्टर इम्पोस्टर को मार नहीं सकता, तो वही अकेला घूम सकता है, उसी के पास ऐसी दिव्य शक्तियाँ होती हैं। किक इन स्वीटी, ओके बट हम लोग करेंगे वाइट को वोट, क्योंकि वाइट बहुत देर से इधर उधर का बातें कर रहा है, तो हो सकता चारों बंदों ने भाई वाइट को डाल दिया है और वाइट ने खाली स्वीटी को डाल दिया, वाइट को बहुत तगड़ा वाला धोखा मिला है सही बताओ तो मैं। तो कोई बात नहीं गाइज वाइट बाय बाय, मुझे पता था ये भी इम्पोस्टर नहीं होगा यार, इतना तो एक्सपीरियंस हो गया तब से बंदे ऐसे निकले जा रहे हैं, क्योंकि कातिल बहुत ही होशियारी से बंदों को मार रहा है। तो यहाँ पे अब हमें बस पता लगाना है कि कौन है इम्पोस्टर यार, अब जल्दी मेरे हिसाब से पता लग जाएगा हम लोगों को इम्पोस्टर कौन है। तो यहाँ पे भाई मैं भी कूदता हूँ ना इसमें, मैं भी तो इंजीनियर हूँ, क्योंकि भाई ये बंदा भी इंजीनियर हो सकता है, तो ये यहाँ निकला मैं भी यहीं निकलूँगा। देखा काफ़ी अच्छी बात है यार, मैं भी इंजीनियर हूँ ये भी इंजीनियर है, हम इंजीनियर इंजीनियर दोस्त बन सकते हैं, लेकिन हम अभी नहीं बनेंगे क्योंकि देखो यार हम पे यार अभी 20 सेकेंड है, तो अभी वो भी नहीं करेगा वेंट इस्तेमाल, तो इतना पता लग गया वो भी इंजीनियर है हम भी इंजीनियर हैं। तो भाई अब इंजीनियर इंजीनियर तो नहीं हो सकते इम्पोस्टर वगैरह, तो अब बची ये दो बंदे ड्रीम बॉय ये पर्पल वाला जो बहुत ही जिगर लेके इधर उधर भाग रहा है, बंदे में काफ़ी जिगर है सही कहूँ, अगर इम्पोस्टर नहीं है फिर भी इधर उधर भाग रहा है तो काफ़ी जिगर वाला बंदा है ये। तो यार पहली बार तो टेबल पर कौन ही लाश रख के चला जाता है, पहली जो डेड बॉडी पहली लग रही है ये जो टेबल पर रखी हुई है, यही जो चौथी नंबर की टेबल पर रखी हुई है। तो यार मैं थोड़ा इधर तो भागता हूँ ना, तो ये लोग सोचेंगे कि गेमर जी ही है जो इम्पोस्टर को ना मेरे पीछे पीछे भागता हुआ आएगा। नहीं यार ये पर्पल वाला नहीं हो सकता था यार, क्योंकि यार देखो स्काई ब्लू वाला ही भाग गया ना मेरी उम्मीद में, तो भाई कुछ हो सकता। अगर आप लोग पहले ही मैं कुछ खेलते हो लेकिन आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ऐसे आप लोग पता ही होगी टिप बता रहे हो एक तरह से, ये जो एमरजेंसी मीटिंग का बटन होता है ना प्रेस करने वाला, या आप पूरे गेम में एक ही बार प्रेस कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप लोग मतलब खाम खाम में बटन ना दबाएँ, जैसे कि रेलवे लाइन की रेल की चैन खींच देते हैं ना लोग, वैसे इस बटन को ना दबाएं, क्योंकि आगे चलकर आपको भुगतान भरना पड़ सकता है। अब भुगतान ऐसे तो होगा नहीं कि आपसे पैसा लिया जाएगा, लेकिन ये हो सकता है कि अंत में आप लोगों को तीन प्लेयर्स बचे हो, तीन में से एक इम्पोस्टर हो, आपको पता हो कि ये बंदा इम्पोस्टर है लेकिन वो किसी को भी मार नहीं रहा, तो आप रिपोर्ट तो कर नहीं सकते, तो आप इमरजेंसी मीटिंग ही बुलाओगे। लेकिन अगर आपने पहले से बटन प्रेस कर रखा है तो आप इमरजेंसी मीटिंग नहीं बुला पाओगे। इस मामले में होगा ये कि अगर आपका प्लेयर भी नहीं बुला पाएगा तो सिंपली इम्पोस्टर किसी को डेथ करके जीत जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए गाइज मैं आप सबसे यही कहूँगा कि
जो भी करें गेम के अंदर में ध्यान से करें, क्योंकि ये गेम मुझे बहुत अजीब लगता है, इसे बता दो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। नज़र हटी दुर्घटना घटी, इस गेम के ऊपर पूरी तरह से फिट बैठता है। अब मैं सोचता हूँ इमरजेंसी बटन दबा दूँ, लेकिन फिर मैं करूँगा क्या इमरजेंसी बटन दबा के यार, सीधा तो कोई विश्वास बात मानेगा नहीं, तुरंत मेरे को ही वोट करके बाहर निकाल देंगे गेम से। बहुत लोग अपना दिमाग चलाते रहते हैं ना खाम खा की। तो यार मैंने सोचा था ना कि इस गेम के अंदर मैं डेथ होऊंगा, किल होऊंगा, मतलब खुद ही मर के देखूंगा कौन है इम्पोस्टर। लेकिन कोई बात नहीं यार, आगे कर लें कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट। तो अभी इसे छोड़ो यार, अभी मैं देखता हूँ घूम घामे पर्पल कहाँ चला गया। पर्पल क्यों घूम रहा है इधर उधर, तू कहाँ है? लगता है फिर वहीं चला गया। चलो कोई बात नहीं, मैं भी चल के देखता हूँ थोड़ा बहुत इधर उधर। अरे तीनों लोग यहीं पे हैं यार, कोई जा भी नहीं रहा इधर उधर। आई थिंक इंक स्वीटी है इम्पोस्टर ना। देखो देखो मैंने उसे कवर कर लिया, अब तो पता ही नहीं लग रहा कि इंक स्वीटी भी है कोई। चलो चलो इसे तंग करते थोड़ा सा, चलो फिर से कवर करता हूँ मैं इसे। ओ इस ड्रीम बॉय भी मेरी चालाकी समझ गया, हम लोग इसे कवर कर लेते, परेशान हो जाएगा। देखो 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 फिर परेशान हो गया। आप भी अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो ऐसा, कवर कर लिया मैं, फिर से कवर कर लूँगा। वो भाई अभी फाइनली मूवमेंट कर रहा है, पहले मूवमेंट ही नहीं कर रहा था, हिल डुल ही नहीं रहा था। ये बेचारा ऐसे ही खड़ा हुआ था कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अभी हिल डुल रहा है। तो गाइस कोई ऐसा होता रहता है यार, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं, मैं समझ गए होगा आप लोग। तो कोई बात नहीं है, इसको मैं फिर से हाइड करने की कोशिश करता हूँ। यार कब तक ये खाम खा का मैं गेम खेल रहा हूँ, आप लोगों का भी टाइम बर्बाद हो रहा है यार। इंक स्वीटी जाओ तुम, या फाइनली इंक स्वीटी भी हिल गया, सब लोग हिल गए अपनी अपनी जगह से। मैं यही चाहता था कि इम्पोस्टर हमें से किसी को मारे और फिर हम लोग इम्पोस्टर पकड़ लें। दोबारा तुम्हारे भाई ने किया वेंट का इस्तेमाल, भयानक इस्तेमाल करने के बाद अब दोबारा मैं 30 सेकंड वेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता। कोई फ़ायदा थोड़ी है मेरा इंजीनियर होने का, मैं कुछ वेंट इस्तेमाल कर ही नहीं पा रहा, मतलब कर भी रहा हूँ तो कोई अच्छे काम के लिए तो मैं कर नहीं रहा। यहाँ पे एक फॉल्ट है इलेक्ट्रिक फॉल्ट, लेकिन यहाँ पे जो लोग गए, बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो गई गाइस मेरे साथ। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, केवल अपने इन भूत भाइयों की तरह पंख फड़फड़ा सकता हूँ। लेकिन फाइनली इंक स्वीटी आ रहा है मुझे न्याय दिलाने। इंक स्वीटी भाई जल्दी यहाँ आओ भाई, यहाँ आओ भाई, भाई भाई यहाँ आओ, मेरी देखो लाश पड़ी हुई है। यहाँ आओ यहाँ आओ यहाँ आओ भाई, भाई रिपोर्ट मारो, भाई रिपोर्ट मारो, पर्पल 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 है भाई, पर्पल है। तो भाई शायद मेरे को न्याय मिल जाए और जो बाकी लोग भटक रहे हैं उन्हें भी न्याय मिल जाए। माई लास्ट विश वियर, इस बंदी पर मुझे पहले से ही शक था, मैं इसे पहले ही बाहर निकलवा देता, लेकिन मेरी बात किसी ने मानी नहीं और मैं बहुत जल्दी अपनी बात से मुकर गया। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इंक स्वीटी में जो जरूर न्याय दिलाएगा, क्योंकि वो पर्पल को बहुत ही बुरी तरह से पर्पल कर रहा है। बोले तो मैसेज वाले बॉक्स में तो सब लोग यस भी लिख रहे हैं, लेकिन उनके यस लिखने कोई फ़ायदा नहीं है। अब बंदे का नाम इम्पोस्टर, बंदे का काम भी इम्पोस्टर, काफ़ी अच्छी बात है। इट्स पिंक राइट, लोग बहुत कुछ लिखते हैं लेकिन उनके लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं होता बाद में। तो गाइस देखते हैं क्या होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग कोई बेवकूफ़ी कर देंगे और इन लोगों ने कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर दी, बट कोई बात नहीं गाइस, हम लोग फिर से मिले हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।